होली सीजन है और बढ़िया बढ़िया पकवान ना बने ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हम बना रहे बहुत ही स्पेशल बहुत ही टेस्टी सा पकवान। ये पकवान आपको बहुत सारा फ्लेवर देगा, खट्टा मीठा और नमकीन। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो वही शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चावल। यहाँ हमने अरवा चावल लिया है, आपके पास जो भी चावल अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। इसको अच्छे से हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको पीस करके घर में ही इसका आटा तैयार कर सकें। अगर आपके पास ऑलरेडी चावल का आटा अवेलेबल है तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको बस चावल के आटे को लेकर के हल्का सा रोस्ट कर देना है। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप वही प्रक्रिया अपनाएं जो कि हम अपना रहे हैं। तो इसे हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। होली ये कंटिन्यू रेसिपी आ रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा इसको हम फैला देंगे। फैला करके हल्का सा इसको ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का गर्म रहेगा तभी इसका बढ़िया सा पाउडर तैयार हो पाएगा घर में। तो आटा हमने तैयार कर लिया है। आटा हल्का सा, चावल जब गर्म था तभी हमने पीसा था, इसीलिए ये इतना बढ़िया सा आटा घर में ही तैयार हो गया है। अब आइए आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 1.5 कप चाहिए बेसन। अगर 1 कप आटा है, चावल है, चावल का आटा, तो 1.5 कप उसके लिए बेसन चाहिए। अब इसको हम दोनों को अच्छे से मिला लेते हैं, दोनों आटा को। चीनी 2 छोटी चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, आमचूर पाउडर 1 छोटी चम्मच, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, अजवाइन 1 छोटी चम्मच, कलौंजी यानी मंगरेला 1 छोटी चम्मच। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं इसमें। पहले से अगर ये बढ़िया से मिला रहता है तो इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। और अब मोइन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मोइन। 5 बड़ी चम्मच हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। अगर आप घी ले रहे हैं तो और भी बढ़िया कर रहे हैं, घी से इसको मोइन करिए। जितना मोइन रहेगा उतना ज़्यादा आपका रेसिपी जो है वो कुरकुरा क्रंची सा बनेगा। और इस नाश्ते को, इस पकवान को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, खुद खा सकते हैं, अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं। और जब इसको बढ़िया से हम एकदम देख सकते हैं, आप ये देखिए ये कितना बढ़िया हो रहा है, जिस तरह से इसका शेप देना चाहें आप दे सकते हैं, ये देखिए। तो मोइन का यही फ़ायदा होता है, जितना ज़्यादा मोइन डालेंगे वो उतना ही ज़्यादा बाइंडिंग इसकी अच्छी होती है और कुरकुरा सा बनता है। और अब थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर लीजिए और गुनगुना पानी से इसका डो तैयार करना है। अगर आप ठंडे नॉर्मल पानी से तैयार करेंगे तो आपके जो पकवान है उसके टूटने के चांसेस होते हैं, इसीलिए पानी को थोड़ा सा गुनगुना करके इसका आटा लगा करके हम बढ़िया सा आटा एकदम तैयार करेंगे। ना ज़्यादा गीला होगा और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होगा। जितना ज़्यादा आप मारेंगे वो उतना ही ज़्यादा बढ़िया बनेगा, लचीला बनेगा। तो हल्का हल्का सा पानी लगा करके इसको जिस प्रकार से हम कर रहे हैं उसी प्रकार से, जैसे आप रोटी खाते होंगे, अगर आपकी मुलायम रोटी बनती है तो मुलायम रोटी बनने का सिर्फ यही रीज़न होता है इसको कुछ अच्छे से पानी लगा लगा के उसको डो को अच्छे से उसको मुलायम किया जाता है इसीलिए। तो अब हमने इसको डो तैयार कर लिया है, इसको हम ढक देंगे और ढक करके इसको हम 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि ये बढ़िया से हो जाए, बनने के लिए अच्छे से रेडी हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए और लचीला हो जाए। तो अब इसे हम यहाँ खोल चुके हैं, तो अब ये आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा हो चुका है, हल्का सा ऑयली भी हो गया है, तो इसे बनाना बहुत ईजी हो जाएगा।
हल्का हल्का सा आटा एक बड़ी बड़ी सी साइज से लेकर के लोइया, इसको अच्छे से एकदम बड़ी साइज की रोटी बनानी है। हल्का हल्का तेल लगाते हुए, यहाँ हम आटे का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑयल का ही प्रयोग करेंगे। अगर आटे का प्रयोग आप करेंगे तो तेल में छानने के बाद आपका जो रेसिपी या आपका जो पकवान है वो काला पड़ जाता है और तेल भी काले हो जाते हैं, जो कि बहुत ही गंदा लगता है देखने में। इसका लेयर बहुत ही पतला तैयार करें। फिर आप एक छोटा सा कोई ढक्कन ले लें, जैसा कि यहाँ पे हमने हींग का जो डब्बा होता है ना उसी का ढक्कन हमने लिया हुआ है, और इसको इस प्रकार से इसी शेप में गोला गोला करते हुए इसको निकाल लेना है। ये वही प्रक्रिया है जो कि दाल पिट्ठी बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, वही प्रक्रिया हम यहाँ पे अपना रहे हैं। इसको गोला गोला शेप दे देंगे। एक्स्ट्रा जो आटा है उसको निकाल लेते हैं। पर इस रोज का सेब देने के लिए हम इस तरीके से रखेंगे, एक के ऊपर एक, और अब हल्का सा हाथ में ऑयल लगा करके इसके ऊपर वाले एरिया को इस तरीके से चिपका देना है और बस फोल्ड कर देनी है। ये देखिए, और बस साइड से हल्का हल्का सा इसको फैला देंगे और ये हमारे रोज बन करके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, है ना बढ़िया सा रोज। ये आप देख सकते हैं, ये फ्राई करने के बाद इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, और लुक भी अच्छा और टेस्टी भी बहुत लगेगा, खट्टा मीठा और नमकीन। इसी प्रकार से हम बाकी भी बना लेते हैं। एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आई है तो इस दोबारा वाली तरीका को भी देख लीजिए, इससे आपकी कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, कोई भी गलती नहीं होगा और बढ़िया से बन करके तैयार होगा। तैयार है हमारे रोज़ेस बन करके, और अभी तैयार है फ्राई होने के लिए। तो आइए फटाफट से इसको फ्राई करते हैं और खाते हैं, बहुत ही टेस्टी सा, खट्टा मीठा नमकीन। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद डालनी चाहिए, अगर हल्का सा गर्म होता है, अगर आप डाल देते हैं तो वो थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पड़ जाता है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से धुआंधार जब तेल गर्म हो जाए तो इसको डाल करके अब गैस का फ्लेम लो करके धीरे धीरे उलट पलट करते हुए इसको फ्राई करना है। और ध्यान दीजिएगा, इसके अभी भी टूटने के चांसेस हो सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ी जो है वो निकल सकती है, इसीलिए धीरे धीरे इसको पलटते रहें, हो सके तो पतली किसी चीज़ से इसको पलटें वरना ये टूट सकते हैं। एकदम करारे सा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट से ये नाश्ता बन के तैयार होगा। और इसकी सबसे खासियत होती है, कितना भी समय तक इसको रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होता है, और देखने में भी इतना अच्छा लगता है कि हर किसी को खाने का मन करेगा कि ये क्या स्पेशल चीज़ है। और इतना बड़ा बड़ा है कि एक ही में जो है कि बहुत ही भारी हो जाता है, बहुत ही टेस्टी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा, ट्राई करिएगा, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका शेप आ रहा है, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो चुकी है।